अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन. स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर तुबा अनीर. टुडे इज़ माई 23rd लेक्चर ऑफ क्लास 5. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 4, दैट इज़ मूविंग अहेड विद विंडोज. स्टूडेंट, आज हमने यूनिट नंबर 4 करना है, जो कि है विंडोज़ के बारे में. आज हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज़ क्या होती हैं और उसमें वॉल पेपर स्क्रीन सेवर कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वॉलपेपर्स एंड स्क्रीन सेवर, कि वॉलपेपर क्या होते हैं, स्क्रीन सेवर क्या होते हैं, इनको चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. चेंजिंग द डिस्प्ले सेटिंग, फॉर चेंजिंग द डिस्प्ले सेटिंग ऑफ कंप्यूटर आईई वॉलपेपर्स एंड स्क्रीन सेवर, फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आपने डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करना है जो कंप्यूटर में होती हैं, वो कैसे करते हैं, फॉलो करना है. नंबर वन स्टेप है गो टू स्टार्ट मेन्यू. आपने पहले तो स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल आइकन, फिर आपने कंट्रोल पैनल आइकन को क्लिक करना है. नंबर सेकंड पॉइंट है द कंट्रोल पैनल विंडो ओपन्स अप ऑन द स्क्रीन. इट शोज़ अ नंबर ऑफ आइकन्स, क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड थीम्स. जो कंट्रोल पैनल विंडो है, उसे जब आप क्लिक करते हैं तब आपके सामने एक स्क्रीन शो होती है जिसमें नंबर ऑफ आइकन्स होते हैं, ढेर सारे आइकन्स होते हैं. उसके बाद फिर आपने अपीयरेंस एंड थीम्स पे क्लिक करना है. ठीक है, इट ओपन्स अ न्यू विंडो. फिर आप इसके बाद आपकी न्यू विंडो शो हो जाएगी आपके सामने. यू शुड क्लिक द डिस्प्ले आइकन, फिर आपने डिस्प्ले आइकन पे क्लिक करना है. द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ विंडो अपेयर्स ऑन स्क्रीन. ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ विंडो जो है फिर आपकी स्क्रीन पे अपेयर होगा. दिस विंडो डिस्प्लेज अ नंबर ऑफ टैब्स लाइक बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, अपेयरेंस एक्सेट्रा नियर इट्स टॉप. इट मीन कि जब आप के सामने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ जब शो होगा तो आपको ये शो करेगा कि आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसके सारी ऑप्शंस आपके उस विंडो पे शो होंगी. जैसे कि यहाँ पे थीम्स, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस एंड सेटिंग, ये सारे क्या है, ये आपके सामने शो होने लगा कि आपने किस किस को चेंज करना है, वो आपको ऑप्शन देगा. ठीक है, अगर आपने डेस्कटॉप को चेंज करना है इस तरह करने के बाद, फिर आपने अप्लाई का बटन करके फिर आपने ओके का बटन प्रेस करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चेंजिंग द वॉलपेपर. अब वॉलपेपर क्या होते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं जब आपके सामने स्क्रीन शो होती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं. ठीक है, इसको चेंज कैसे करना है. नंबर फर्स्ट स्टेप देखते हैं, क्लिक ऑन डेस्कटॉप टैब इन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ विंडो. सबसे पहले आपने डेस्कटॉप टैब को क्लिक करना है. ठीक है, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ विंडो पे शो हो रहा है. नंबर सेकंड स्टेप है सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड इन बैकग्राउंड बॉक्स. फिर आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो बैकग्राउंड बॉक्स पे शो हो रही है. नंबर थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन अप्लाई बटन, फिर आपने अप्लाई बटन को क्लिक करना है. नंबर फोर्थ स्टेप है क्लिक ऑन ओके. ठीक है, जैसे कि हम पिक्चर में भी देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप शो हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर आइकन शो हो रहे हैं, स्मॉल पिक्चर जो हैं, मतलब अगर आप इनको क्लिक करते हैं जो आपको पसंद आता है वॉलपेपर, आप उसे सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे फिर ओके का बटन प्रेस करेंगे, तब आपका वॉलपेपर इजीली चेंज हो जाएगा. द पिक्चर अपीयर्स एज द बैकग्राउंड स्क्रीन ऑन द डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर. अंडरस्टैंड सेटिंग द स्क्रीन सेवर. अब स्क्रीन सेवर की सेटिंग को हम चेंज करते हैं. कैसे करते हैं सेटिंग, ये देख लेते हैं. क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर टैब इन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज विंडो. सेलेक्ट अ स्क्रीन सेवर फ्रॉम द स्क्रीन सेवर बॉक्स. इट्स मीन पहले हमने डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज किया है, अब हमने स्क्रीन सेवर का चेंज करना है. सबसे पहले आपने स्क्रीन सेवर को यहाँ से सिलेक्ट करना है जो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में शो हो रहा है. ठीक है, इसके बाद फिर आपने स्क्रीन सेवर बॉक्स में से जो आपको चाहिए है, जैसा आप चाहते हैं कि स्क्रीन सेवर होना चाहिए, उसको आप चेंज कर सकते हैं. और ये स्क्रीन सेवर क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है जब आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, जब आप थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को छोड़ देती हैं और जब कंप्यूटर पे कोई काम नहीं हो रहा होता है, वो जब वो आपकी स्क्रीन ये डिसअपेयर हो जाती है, जो विंडो शो हो रही होती है उस टाइम, उसके बाद जो एक इस तरह से एक पिक्चर मूविंग में शो हो रही होती है, ठीक है, उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं.
अब हम पढ़ लेते हैं, सेट द नंबर ऑफ मिनट्स इन द वेट बॉक्स, दिस रिप्रेजेंट द टाइम आफ्टर विच स्क्रीन सेवर विल अपेयर व्हेन द सिस्टम इज लेफ्ट आइडल फॉर मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, जब कंप्यूटर वेट पे होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं, तब स्क्रीन सेवर शो होना शुरू हो जाता है जो हमने चेंज किया हुआ होता है। यू कैन सी द लाइकली इफेक्ट ऑफ द स्क्रीन सेवर बाय क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू बटन। एंड नंबर थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड अबाउट द चूजन स्क्रीन सेवर बाय लुकिंग एट द प्रीव्यू, क्लिक ऑन अप्लाई बटन। नाउ क्लिक ऑन अप्लाई बटन, इट्स मीन जब आप स्क्रीन सेवर को चूज़ कर रहे होते हैं कि आपको किस टाइप का स्क्रीन सेवर चाहिए जो आपको पसंद होता है, फिर आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई का बटन प्रेस करने के बाद आप उसे ओके का बटन प्रेस करते हैं, फिर वो आपका स्क्रीन सेवर शो हो जाता है। ठीक है, आगे है, ऑन लीविंग द सिस्टम आइडल फॉर मोर देन द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेसिफाइड इन द वेट बॉक्स द स्क्रीन सेवर अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, तब आपके सामने स्क्रीन सेवर बॉक्स शो होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने क्या करना है, आपका होमवर्क टास्क सिर्फ यही है कि आपने वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर को कंप्यूटर में या लैपटॉप में चेंज करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।